नमस्ते विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट में बात करेंगे ज्योग्राफी में ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित स्थल आकृतियाँ, स्थल रूप। ज्वालामुखी क्रिया से बनने वाले भूआकारों की बात कर रहे हैं, जिसमें ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा अनेक भूआकार बनते हैं, जिसमें धरातल के भीतर और बाहर दोनों प्रकार की भूआकृतियाँ निर्मित होती है। तो मैंने बताया था ज्वालामुखी क्रिया से जो बनने वाले भूआकार में एक तो होता है बाह्य स्थलाकृतियाँ, और एक होता है आंतरिक स्थलाकृतियाँ, आंतरिक स्थल रूप। दो स्थलाकृतियाँ, दो प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनती है। ज्वालामुखी क्रिया से धरातल के बाहर बनने वाली भूआकृतियाँ कहलाती है बाह्य स्थलाकृतियाँ, और जो धरातल के नीचे बनने वाले भूआकार कहलाते हैं आंतरिक स्थलाकृतियाँ। तो ज्वालामुखी क्रिया से जो पदार्थ बाहर निकलता है उसमें कई प्रकार के पदार्थ बाहर निकलते हैं। उसमें ज्वालामुखी राख होती है, धूल होती है, जलवाष्प होती है, तरल लावा होता है, सिलिका की मात्रा होती है, विखंडित पदार्थ की मात्रा होती है। उसकी मात्रा का अनुपात में अलग अलग संख्या, अलग अलग मात्रा होती है। तो उसके आधार पर उससे बनने वाले भूआकारों में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। अगर लावा अधिक गाढ़ा या तरल होता है तो उससे भी अलग अलग भूआकार बनते हैं। अगर लावा में जो मलबा होता है, जो मलबा मैग्मा बाहर निकलता है, अगर वो गाढ़ा होता है, उसमें एसिड की मात्रा अधिक होती है, चिपचिपा अधिक होता है, तो कम दूरी पर वो अधिक दूरी न फैलकर उसके जहां ज्वालामुखी उद्गार होता है उसके आसपास क्षेत्र में फैल जाता है। उसकी आकृति मतलब बढ़ती ऊपर की ओर उड़ती हुई दिखाई पड़ती है, उससे गुमंदाकार पर्वत का निर्माण अधिक होता है। दूसरा ऐसा होता है कि अगर उसमें तरल लावा की मात्रा अधिक होने के कारण वो मलावा तेज से ठंडा होता है और काफ़ी दूर तक फैल जाता है, इसलिए सपाट मैदान का निर्माण हो जाता है, उसे बोलते हैं लावा पठार के रूप से जानते हैं। तो इस प्रकार जो लावा में उसमें जो जो मलबा पदार्थ होता है, जो लावा बाहर निकलता है, उसमें कई बार के विभिन्न पदार्थ होते हैं, कई बार के सिलिका होती है, कई बार के एसिड होते हैं, वो सब मिले उसकी मात्रा पर निर्भर करता है किस प्रकार से वो आकार बनते हैं। तो लावा पदार्थ जिस प्रकार निकलता है उससे दो प्रकार बताया मैंने, बाह्य स्थलाकृतियाँ और आंतरिक स्थलाकृतियाँ। अब बाह्य स्थलाकृतियों में पहला आता है, एक तो जो उद्गार होता है दो प्रकार से होता है, एक तो होता है केंद्रीय उद्गार वाले भूआकार और एक होते हैं दरारी उद्गार वाले। तो दो प्रकार की जो मैंने ज्वालामुखी क्रिया होती है वो होती है यदि केंद्रीय उद्गार, दूसरा होता है आपका दरारी उद्गार। उद्गार का जो प्रक्रम है या उद्गार जो क्रिया है वो दो रूपों में होती है, एक केंद्रीय और एक दरार के रूप में। मैंने बताया था पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में, कि केंद्रीय उद्गार एक छिद्र या नली के माध्यम से होता है, जिससे लावा पदार्थ जो बाहर निकलता है एक द्रोणीय पाइप के द्वारा बाहर निकलता है, जो काफ़ी मात्रा में अधिक ऊंचाई तक उसमें लावा ऊपर तक फेंक दिया जाता है, फिर वो उसके आसपास वो गिरकर एक गोमंदाकार पर्वत या पहाड़ी का निर्माण हो जाता है। दरारी लावा में, दरारी उद्गार में क्या होता है कि लंबी दूरी तक के काफ़ी लंबे संकीर्ण श्रृंखला के रूप में या धरातल पर को दरार पड़ जाती है, फटन हो जाती है, दरार पड़ जाने से उसमें जो लावा बाहर निकलता है वो आसपास के क्षेत्रों में फैलकर जम जाता है, उसे लावा पठार या लावा का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार ये दो प्रकार के बताए मैंने, केंद्रीय उद्गार के रूप में और दरार उद्गार के रूप में। तो इसमें केंद्रीय उद्गार से बनने वाले भूआकार की बात करें तो उसमें आता है पहला जो आता है वो आता है सिंडर शंकु। दरारी केंद्रीय मतलब बाह्य स्थलाकृतियां बात कर रहे हैं, जिसमें पहला आता है केंद्रीय उद्गार। केंद्रीय मतलब पाइप के रूप में, नली के रूप में, कोई नली के रूप में मलबा लावा बाहर निकलता है तो उसमें आसपास के क्षेत्रों में जमा होकर पदार्थ जमा हो जाता है, तो वो एक केंद्रीय होता है पाइप। द्रोणीय केंद्र के रूप में जो लावा पदार्थ बाहर निकलता है उससे बनने वाले भूआकार की बात कर रहे हैं, उसमें पहला था सिंडशंकु। सिंडशंकु में निकलने वाला लावा थोड़ा अधिक गाढ़ा होता है, उसमें निकलने वाले पदार्थ होते हैं, इसमें असंख्य रूप में सिलिका भी होती, साथ में सिलिका है, विखंडित पदार्थ है, पदार्थ है, जलवाष्प की मात्रा है, सब साथ में, सब पदार्थ सभी का साथ में निकलने के कारण उसके आसपास जो पदार्थ जमा हो जाता है तो उसमें निकलना जो पाइप होता है, नलिका होती है, उसमें निकलने वाले पदार्थ
कंकड़ पत्थर रेत टुकड़े सब होते हैं, तो उसमें सब जमा होकर एक पर्वत या गोमंदाकार के रूप में खड़ा पर्वत बन जाता है, उसे बोलते हैं सिंड शंकु। इसमें मतलब ऐसा होता है कि इसकी ऊंचाई तो कम होती है, इसकी चौड़ाई अधिक होती है। इसमें ढाल इसका बहुत मंद ढाल होता है, जिससे चींटियां अपना बिल बनाती है, उसमें बहुत सारी मिट्टी का ढेर करके अपने आसपास बिल के सारे ढेर लगा देती है। उसी प्रकार से ऊंचाई कम होती है और आसपास क्षेत्रों में ये मतलब इसमें विखंड पदार्थ है, मलबा है, लावा है, कंकड़ पत्थर है, उसके आसपास एकत्रित होकर एक कम डाल क्षेत्र को सिंड शंकु रूप में निर्माण हो जाता है, उसे बोलते हैं सिंड शंकु या विखंड पदार्थ जमावत बनने वाली भुआ करती। दूसरा होता है आपका इसमें दूसरी जो भुआकार होता है उसका नाम है आपका मिश्रित शंकु। मिश्रित शंकु कंपोजिट शंकु। मिश्रित शंकु में क्या होता है कि इसमें लावा उद्गार के पास पश्चात फिर लावा उद्गार होता रहता है। जैसे किसी द्रोणी या पाइप से जब लावा बाहर निकलता है तो उसमें एक परत लावा के रूप में होती है, दूसरी परत विखंड पदार्थों की जमा होती रहती है। तो पहले प्रथम बार जो उद्गार हुआ उसका निर्माण मान लेते अपन इतने ऊंचाई पर होता है, तो यहाँ पर एक परत जम जाती है, लहर जम जाती है, इधर लहर जम जाती है, कंकड़ पत्थर जमा हो जाते हैं, विखंड पदार्थ का जमा हो जाता है। इस प्रकार फिर दूसरी बार उद्गार होता है, उसकी ऊंचाई बढ़ जाती है, फिर यहाँ पर एक कंकड़ पत्थरों का ढेर लग जाता है और जमाव होता रहता है। इस प्रकार ये जमा होते हैं एक लहर, फिर उसके बाद एक परत आ जाती है, फिर उसकी ऊंचाई बढ़ जाती है। तो ऐसे ऊंचाई बढ़ती रहती है, कंकड़ पत्थरों का एक परत कंकड़ पत्थरों की या विखंड पदार्थों की मात्रा में जमा हो जाती है, दूसरी परत उसके लहर के रूप में लावा के रूप में जमा हो जाती है। इस प्रकार बनने वाले भुआकार बोलते हैं कंपोजिट शंकु। मतलब उसमें लावा जो जमा होता है या विखंड पदार्थ जो जमा होता है वो परतों के रूप में, अनेक परतों के रूप में, अलग अलग परतों के रूप में होने के कारण इसे बोलते हैं मिश्रित शंकु। यानी पहले इसकी ऊंचाई कम थी, फिर उसमें दोबारा प्रसुप्त ज्वालामुखी रूप में से उद्गार हुआ उसी नली में उसी पाइप से, तो फिर उसमें वो नई पर जम जाती है, फिर उसमें दोबारा फिर उसके बाद जमा हो जाने पर वो ठंडा हो जम जाता है, फिर कुछ साल कुछ समय बाद फिर उसमें उद्गार होता है। इस प्रकार उद्गार होने के कारण बार बार उसमें परतें जम जाती है और परतें जम जान के अनेक परतों के जमाव के द्वारा बनने वाले भुआकृति को आ जाता है कंपोजिट शंकु या मिश्रित शंकु के नाम से जानते हैं। तो दूसरा ये था। तीसरा आपका आता है इसमें तीसरा जो उसमें भुआकृति है वो आती है आपकी प्रीपोषित परपोषित शंकु। परपोषित मतलब किसी दूसरे पर निर्भर होने वाले बनने वाले शंकु, ऐसे शंकु आकार, ऐसे पर्वतीय भुआकार जिससे अनेक जो मुख्य पाइप्स हैं जो उद्गार होता है उसके द्वारा बनने वाला जो शंकु आकार पर्वत होता है उसके द्वारा ही अनेक शंकुओं का निर्माण हो जाने की क्रिया कहलाती है परपोषित शंकु। मतलब किसी बड़े मुख्य आधार वाले शंकु के द्वारा बनने वाले शंकु, छोटे जो शंकु बनते हैं उससे बने परपोषित शंकु आकार वाली भुआकृतियाँ। तो इसमें जिस प्रकार मान लेते हैं किसी गुमंदाकार परत का निर्माण हो गया और इस पर जैसे मान लो इसमें ये कोई धरातल विभाग है और इस पर ये पाइप से कोई मलबा या लावा बाहर निकलता है और ये एक ऐसी आकृति बन गई है। अब इसमें अनेक लावा पदार्थ लावा चट्टान ये एक सिलिका की मात्रा जमा होती है और ये एक आकार बन जाता है। अब इस मुख्य पाइप से अगर इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जब इसकी ऊंचाई बढ़ने का जब ये पहले मतलब ये कंपोजिट शंकु था सिंड शंकु था यहाँ पर फिर इसका कंपोजिट शंकु बढ़ गया ऊंचाई बढ़ गई तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ अगर ऊंचाई बढ़ गया तो पाइप की लंबाई अधिक होने के कारण इसमें ये जो लावा पदार्थ है यहाँ तक न पहुँचकर रास्ते में चट्टानों को तोड़कर दरार पड़कर ये पाइप के रूप में अलग बाहर निकलना शुरू हो जाता है। जैसे यहाँ निकल गया लावा इधर और यहाँ लावा के रूप में पदार्थ बाहर निकल जाता है और यहाँ फिर ज्वालामुखी उद्गार रूप में निर्माण हो जाता है। जैसे यहाँ के रूप में भी निर्माण हो जाता है, यहाँ भी ऐसा हो जाता है। तो ऐसे मतलब ज्वालामुखी पर्वत जो मुख्य शंकु आकार जो पर्वत श्रेणी है या पर्वत जो लावा निर्मित है उसी मुख्य नली से पाइप से उसका जो उसको मतलब लावा मिलता है उसी से वो चट्टान के टुकड़े मिलते हैं उसी पाइप के द्वारा उसे को दराय के रूप में अलग साइड में निकलकर मलबा उसके केंद्र ढाल पर अनेक छोटे शंकु का निर्माण हो जाता है उसे बोलते हैं परपोषित शंकु आकार के
शंकु आकार के स्तर रूप, इसे बोलते हैं परिपोषित शंकु, जैसे मतलब ये मुख्य कंबोइड शंकु कह सकते हैं अपन वो, और इसके ढाल पर बनने वाले छोटे छोटे शंकुओं को बोलते हैं परिपोषित शंकु। तो इसका निर्माण किससे हुआ, ये मुख्य पाइप से इसको इसकी सप्लाई आपूर्ति होती है, जो लावा मुख्य आप नली से जाता है उसी के द्वारा इन छोटे छोटे जो पाइप है जो साइड से निकल रहे हैं, दरार से निकल रहे हैं, छिद्रों से निकल रहे हैं, उस पर जहाँ निकल कर वहाँ पर ढालों क्षेत्रों पर लावा का निर्माण जमा हो जाता है और छोटे गोमंदागा पद का निर्माण हो जाता है, उसे बोलते हैं परिपोषित शंकु। चौथा आता है आपका इसमें सिल्ड शंकु। सिल्ड शंकु में क्या होता है, सिल्ड शंकु सिल्ड शंकु वो होता है जिसमें एसिड की मात्रा बहुत कम होती है, जिसमें या समझ सारी शंकु इसमें क्या होता है, ऐसे पदार्थ जलमय उद्गार के समय निकलना जो पदार्थ होता है, अगर उसमें एसिड की मात्रा कम होती है, यानी सिलिका की मात्रा कम होती है, चिपचिपा कम होता है, लावा की मात्रा अधिक होती है, पतला लावा होता है, तो अधिक दूर तक वो फैल जाता है। ऐसा पर्वत शंकु आकार के पहाड़ी जिसमें लावा की मात्रा कम होने के कारण, उसमें सिलिका की मात्रा कम होने के कारण, उसमें चिपचिपाहट कम होती है, इस कारण उसकी आकृति अधिक दूरी तक मतलब अधिक दूर तक फैल जाती है। तो जिससे मान लो ये सिल्ड ये कोई क्रेटर है या उसका पाइप है या जिसमें आप जिससे लावा बाहर निकलता है, क्रेटर बोलते हैं, और इससे निकलने वाला पदार्थ है अधिक दूर तक फैल जाता है, यहाँ तक फैल गया। ऐसी भूआकृति को इसका ढाल बहुत कम होता है, मतलब ऊंचाई कम होती है, ढाल मंद होता है, ऊंचाई अधिक होती है तो ढाल बढ़ जाएगा। ऐसे भूआकार जहाँ पर एक क्षैतिज रेखा के रूप में एक लंबी दूरी तक क्षैतिज रेखा के रूप में नया निर्माण हो जाता है, नया लावा का जमा हो जाता है, ऐसे भूआकार को बोलते हैं अपन सिल्ड शंकु, यानी इसकी ऊंचाई कम होती है और इसमें लावा का गाढ़ा न होकर पतला होता है और काफ़ी दूर तक फैल कर जमा होकर ठंडा हो जाता है, ऐसे भूआकार बोलते हैं सिल्ड शंकु आकार की पर्वत श्रेणी। चौथा होता है आपका एसिड लावा, उसके बाद में आता है एसिड लावा। एसिड लावा शंकु एसिड लावा में क्या होता है, इसका उल्टा विपरीत होता है, मतलब जिस बार सिल्ड शंकु में कहा इसमें सारी शंकु कह सकते हैं इसको, इसमें लावा में इस जो ज्वालामुखी लावा निकलता है ये गाढ़ा न होकर पतला होता है, ये काफ़ी दूर तक फैल जाता है। इसमें इसका उदाहरण इसको ये होता है कि एसिड लावा में क्या होता है कि इसमें लावा गाढ़ा होता है और गाढ़ा होने के कारण ये चिपचिपा होता है, अधिक दूर तक गुना फैल कर वो यथावत आसपास के क्षेत्रों में जमा होकर ठंडा हो जाता है, जम जाता है, ऐसे बोलते हैं गोमंदाकार पर निर्माण अधिक हो जाता है। ऐसे क्षेत्र में क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पर एक धरातल है और यहाँ पर क्रेटर का जो मुख है पाइप होता है, तो इसमें जो लावा पदार्थ हो वो यहीं आसपास के किनारे क्षेत्रों में जमा हो जाता है, ज्यादा दूर तक न बहकर किनारों के आस मतलब ज्यादा दूर तक न बहकर तीर ढाल वाले क्षेत्रों में जमा हो जाता है। तो ऐसे पदार्थ के निक्षेप से इसको क्यों क्या होता है कि लावा अधिक गाढ़ा होने के कारण अधिक दूर तक फैल नहीं पाता है, यथावत ही जमा होकर ठंडा हो जाता है, जम जाता है। तो ऐसे पर्वत भूआकार का ढाल तीव्र होता है और इसकी ऊंचाई अधिक होती है, ऐसे श्रेणी को बोलते हैं एसिड लावा शंकु कहा जाता है इसको। और इसके बाद में अगला जो पॉइंट है वो है आपका लावा डाट। ये तो था आपका इससे ऊंचे उठे हुए भाग मतलब लजावल में उद्गार से निकलने वाले पदार्थ से बनने वाले भूआकृतियों में जो ऊपर उठकर या ऊपर जमा होकर निर्माण हो गया। अब आता लावा डाट एक पाइप न होता है, जिस पाइप ये होता है ना जो ज्वालामुखी उद्गार के रूप में जो पदार्थ बाहर निकलता है, तो इसके आसपास मिट्टी सिलका कंकड़ पत्थर जमा हो जाते हैं और वो किसी अपरदन क्रिया द्वारा
अपरदन बाहर बाहर जो संसाधन होते हैं, बाहर जो स्रोत होते हैं, जल है, हिमानी है, बर्फ है, या वायु के द्वारा अपरदन होकर ये कट कर हट जाता है। और ये जो मुख्य जो पाइप होता है, इस मुख्य पाइप के भीतर जो लावा जमा होता है वो अधिक गाढ़ा होता है, और वो गाढ़ा होने के कारण उसका अपरदन नहीं हो पाता है। यानी बाहर जो सेल होती है, जो सिलिक जो क्रेटर के आसपास जो क्षेत्र होता है, जो लावा पदार्थ जमा हो गया, कंकड़ पत्थर थे, सिलिका थी या अन्य विघ्न पदार्थ थे, उसका अपघर्षण अपरदन अफान के द्वारा वहाँ से हटकर चला गया, और इसका अपरदन हटकर मतलब ये हटकर नीचा हो जाता है, और मध्य वाला जो क्रेटर पाइप वाला जो क्षेत्र था वो यथावत ठोस रूप से बना ही रहता है, मतलब ये ठोस अवस्था में बना रहता है, इसका अपरदन नहीं हो पाता है, उसकी ऊंचाई घट जाती है। इसे बोलते हैं अपन लावा डाट, जिसे ऊपर एक स्तंभ के रूप में खड़ा रह जाता है, इसे बोलते हैं लावा डाट। यानी ये इसका अपरदन नहीं हो पाता, क्यों नहीं हो पाता, कि इसकी अपेक्षा अधिक मजबूत कठोर वाला भूभाग है, जो बाहर जो पदार्थ था जो उसकी सीमा से बाहर पड़ा हुआ था उसका आसान से अपरदन हो जाता है, कि वो कॉमन सेल होती है, उसकी में कई बार क्या लावा राख संग लावा होता है, राख होती है, सिलिका होती है, अनेक अन्य पदार्थ विघ्न पदार्थ हो सकते हैं, लेकिन जो जो मुख्य पाइप होता है उसमें निकलने वाला जो लावा होता है वो अधिक गाढ़ा हो, और गाढ़ा होने के कारण जमकर ठोस हो जाता है, इस कारण वो उसका अपरदन नहीं हो पाता है। ऐसे स्तंभ बनी भूआकृति बोलते हैं लावा डाट। ये तो दस से बनने वाली भूआकृतियों में। अब उसके बाद में आता है, उसके बाद में आता है दूसरी चीज, दो चीज़ें होती है कि किसी कारण से जब लावा का निर्माण लावा के जमा होने से दो भूआकृतियाँ बनी, जो बत्ती मैंने केंद्रीय भूआकार बनने वाले भूआकार में पांच छह जो बताया मैंने, सिंध शंकु है, एसिड शंकु है, गोमंदा का पर्वत है, ये एसिड लावा लावा डार्ट है, ये था। अब किसी मतलब बाह्य शक्ति द्वारा या किसी प्रक्रम द्वारा किसी कारण से केंद्र ये क्रेटर का विस्फोट हो जाना, मतलब जब लावा उद्गार होता है या किसी पदार्थ किसी पाइप से उद्गार होता है तो अचानक विस्फोट साथ हो जाने के कारण एक क्रेटर का जो मुख होता है वो फट जाता है या विखंडित हो जाता है, तो उसका भाग धस जाता है, धसकर एक गर्त बन जाता है। यानी कि जिस प्रकार ये क्रेटर वाला जो क्षेत्र था पाइप था जिससे जिस मुख से लावा बाहर आता है, तो उस एक बार जमा होने के पश्चात दोबारा काफ़ी समय तक शांत रह जाता है वो क्षेत्र, और फिर कभी दोबारा उद्गार होता है तो उस समय ये जो पाए ऊपर का मुख ठंडा हो जम जाता है, तो जब कभी लावा बाहर निकलता है तो विस्फोट के साथ पदार्थ को बाहर निकालता है, जिस कारण से ये ऊपर वाला जो क्रेटर वाला क्षेत्र मुख होता है वो टूट कर ध्वस्त हो जाता है, और एक गर्त रूपा गर्त मतलब खाई ये गर्त गड्ढानुमा आकृति बन जाती है, इसे बोलते हैं अपन क्रेटर झील, जिसमें कभी कभार उसमें क्रेटर में पानी भर जाता है और वो पानी झील के रूप में बन जाती है। तो ये इसका आकार होता है, मतलब ये इसमें क्या होता है कि जब क्रेटर का जो मुख्य ज्वालामुखी उद्गार का मुख होता है वो लावा डार्ट के द्वारा या लावा के कारण जमकर ठोस होने से बंद हो जाता है, और जब कभी दोबारा उद्गार होता है तो उसका क्रेटर का मुख विस्फोट के कारण ध्वस्त हो जाता है, और उसमें आसपास के क्षेत्र के द्वारा ऊँचे रहते हैं और उसका मेन मुख होता है वो डाउन नीचा रह जाता है, और जब उसमें जल वर्षा द्वारा उसमें पानी भर जाता है तो क्रेटर झील का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार इस क्रेटर झील का जो निर्माण हुआ, एक क्रेटर का निर्माण हुआ जब कभी इस बड़े काफ़ी लंबे समय शांत रहने के पश्चात फिर कभी भयंकर उद्गार होता है इस झील में इस क्रेटर के मुख में, तो भयंकर विस्फोट साथ फिर इसका मुंह अधिक चौड़ा हो जाता है, इसका विस्तृत रूप हो जाता है, यानी इस उद्गार का बड़ा रूप हो जाता है, मतलब इसका जो लावा डार्ट था लयो क्रेटर झील थी क्रेटर था जिस मतलब क्रेटर मतलब जिस ज्वालामुखी उद्गार का जिस मुख से पदार्थ बाहर निकलता है लावा बाहर निकलता है उसमें मतलब क्रेटर, और उस क्रेटर पर दोबारा किसी प्रकार से विस्फोट तीव्र गति से हो जाता है, तो उसका बड़ा क्षेत्र बड़े क्षेत्र में विस्फोट हो जाने के कारण उसका फैल उसका बड़ा भाग वहाँ से विस्फोट होकर हट जाता है, और वो बड़ी उसका आकृति बड़ी बन जाती है और फैल जाता है। ऐसे बड़े आकार को बोलते हैं अपन कालडेरा, उसे बोलते हैं कालडेरा। तो इस प्रकार ये क्रेटर झील थी, छोटा आकार थी वो क्रेटर था और बड़ा आकार था कालडेरा था। क्रेटर झील मतलब उसमें पानी भर गया तो गर्त बन गया, और गर्त बनकर पानी भर जाने से वो झील बन गई, ऐसे कालडेरा झील भी बोल सकते हैं इसको। भाई कालडेरा अगर वो गहरा भाग था, चौड़ा था, इसके विस्तृत भूभाग था क्रेटर का, वो कालडेरा कहलाता है, और उस विस्तृत बड़े भाग में पानी भर जाता है उसे बोलते हैं कालडेरा झील। इस प्रकार ये बताया मैंने बाह्य बने वाले भूआकृतियों में केंद्रीय उद्गार से बने वाले भूआकृति थी जो क्रेटर कालडेरा और सारे जो शंकु आकार पर्वत श्रेणियां। अब आता दूसरा आता है आंतरिक स्थलाकृतियां।
आंतरिक स्थलाकृतियों में आता है कि पृथ्वी के भूगर्भ से जब लावा बाहर निकलता है तो कुछ पदार्थ किसी कारण से लावा बाहर न निकलकर धरती के नीचे भी सेपित हो जाता है या जमा हो जाता है। उससे अनेक प्रकार के भुआकार बनते हैं, जिसमें यो जो भुआकार बनते हैं वो इस प्रकार से हैं। तो आंतरिक भुआकार में जो भुआकार बनते हैं वो है आपके बैथोलिथ, जो मैंने पिछले अध्याय में या पिछले चैप्टर में आपको बताया था, बैथोलिथ है, लेफोलिथ है, सील है, डाइक है, ऐसी भुआकृतियाँ बनती है। तो इनका आकार अलग अलग होता है, जैसे मतलब बैथोलिथ आकृति होती है कि जिसकी बहुत गहरे तक नींव हो, मतलब उसकी जड़ें बहुत गहरी हो, ऊपर का भाग गोमंदाकार ऊपर उठा हुआ हो, किनारे वाले भाग तीर ढाल वाले हो, लेकिन उसमें ऊपर का भाग खड़दरा या उबड़ खाबड़ होता है, उसे बैथोलिथ बोलते हैं। जिसकी आकृति मतलब ऊपर का कैसी होती है, जिसकी ऊपर की आकृति उबड़ खाबड़ होती है लेकिन ढाल कहना ढाल तेज होता है, मतलब ऐसी आकृति इसकी बहुत गहरे तक, मैंने ये चट्टान धातु नीचे है लेकिन बहुत ठोस ये धरातल आपका, नीचे ठोस वाला भाग जमा हुआ है, इसका ऊपरी भाग सपाट या उबड़ खाबड़ हो सकता है, ढालती होता है लेकिन गहरा ही आधार इसका बहुत काफ़ी गहरा होता है। ऐसे छत्तीसनुमा आकृति या गोमंदाकार जो बनी भुआकृति बोलते हैं बैथोलिथ। बैथोलिथ होती है, सील होती है, सील मतलब एक सीट के रूप में किसी कारण से कोई लावा एक क्षतिज दिशा में आड़ी रेखा में फैल कर जमा हो जाता है, उसे बोलते हैं सील। ऐसे डाइक, डाइक नुमा आकृति वर्टिकल दिशा में लंबा दिशा में कोई लावा धातु के नीचे भूगर्भ से निकलने वाला लावा धातु के नीचे कहीं से हो जाता है, एक लंबी रेखा के रूप में सेप हो जाता है, ऐसे आकृति में उसे बोलेंगे डाइक ऐसे आकृति में। इसी प्रकार अपन ने लोफलित होता है, लोफलित एक झील नुमा आकृति होती है जो तस्तरीय प्लेट नुमा आकृति होती है, इसमें क्या होता है जिस कारण को लावा पदार्थ बाहर निकलता है तो ऐसी आकृति में वो लावा जमा हो जाता है, और उसकी आकृति कैसी होती है, ऊपर का भाग कैसा होता है, एक प्लेट नुमा धसा हुआ भाग, और तो किनारे ऊंचे उठे भाग होते हैं, ऐसे भाग होते हैं लोफलित बोलते हैं। ऐसे फेकोलित होती है, जैसे लहरनुमा आकृति, कैसी आकृति, लहरनुमा आकृति में लावा मलबा जमा हो जाता है, उसे अपन लहरनुमा आकृति बोलते हैं, फेकोलित बोलते हैं। तो इस प्रकार आंतरिक स्थलाकृतियों में बैथोलित है, लेफोलित है, लोकोलित है, फिर ये सील है, डाइक है, ऐसे भुआकार आंतरिक भुआकार में आते हैं जो ज्वालामुखी द्वारा निर्मित होते हैं। इस प्रकार हमने आज जिस अध्याय इस बारे में बात की थी वो अध्याय था आपका ज्वालामुखी से बनने वाले भुआकार में, जो आंतरिक भुआकार बाह्य भुआकार बनते हैं उस बारे में बात की। नेक्स्ट वीडियो में अपन फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल फिर नया चैप्टर लेकर बात करेंगे। ओके, धन्यवाद।